फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग के बारे में। तो अब लूप जावा में कैसे यूज होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्लास का नेम स्टार्ट करते हैं लूपिंग। मैंने प्रोग्राम का नाम लूपिंग ही कर देता हूँ क्लास का नेम। तो इसको हम और ये प्री डिफाइंड एक प्रोग्राम आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास या पब्लिक क्लास कर दीजिएगा, पब्लिक क्लास लूपिंग, और इस तरीके से पब्लिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये यहां पर आपका मेन मेथड के अंदर हम आ गए हैं। और यहां पर हम मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सिंटैक्स। तो बात करते हैं लूप। अब लूप क्या चीज है, देखिए लूप हमारा क्या है कि लूप का मीन्स होता है रिपीटेशन। लूप का मतलब क्या है, रिपीट करना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। तो रिपीट का मतलब जैसे हो सकता है 10 times आपको अपना नेम प्रिंट करना है, 10 times आपको अपना कॉलेज का नेम प्रिंट करना है, तो कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करना। अब रिपीट भी 2 type का हो सकता है। कैसे हो सकता है, या तो नंबर ऑफ रिपीटेशन फिक्स होंगे, जैसे आपने कहा मुझे 10 times प्रिंट करना है या 20 times प्रिंट करना है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रिपीटेशन जहां पर नोन है, तो वो एक तरीके का लूप है ना। तो ऐसे ही क्या है, अब दूसरा हो सकता है कंडीशनल लूप। कंडीशन का मतलब हो सकता है जहां पर नंबर ऑफ रिपीटेशंस नोन नहीं है, ये समझ लीजिए, जहां पर नंबर ऑफ रिपीटेशंस नोन नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि प्रिंट योर नेम ऑन स्क्रीन व्हाइल स्क्रीन इज नॉट फुल, तो मींस जब तक आपकी स्क्रीन फुल नहीं हो जाती है तब तक आपको नेम आपको प्रिंट करना है। तो मुझे नहीं पता वो 10 times में होती है या 20 times में प्रिंट होने वाली है, यह हमें नहीं पता। तो यहां पर यह समझ लीजिए कि जहां पर नंबर ऑफ रिपीटेशंस फिक्स है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 2 types ऑफ द लूप, 2 types, 2 types। पहला क्या हो जाएगा, काउंटर लूप। काउंटर का मीन्स जहां पर आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन नोन है, काउंटर में हमारे आ जाएगा फॉर का लूप, ठीक है। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, काउंटर लूप के अलावा दूसरा लूप क्या हो सकता है, आप उसको कह सकते हो कंडीशनल लूप। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, कंडीशनल लूप में हमारे आते हैं डू व्हाइल एंड व्हाइल का लूप। ये तो हमारे पास क्या है, केवल 3 loops हैं। तो फॉर का लूप काउंटर लूप में आएगा जहां पर नंबर ऑफ रिपीटेशन फिक्स है, दूसरा हो जाएगा हमारा कंडीशनल लूप है ना, जिसमें डू व्हाइल एंड व्हाइल लगेंगे। तो अब मैं बताता हूं इनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर के लूप में, मैं आपको बताता हूँ फॉर का लूप कैसे यूज होगा। अब देखिएगा तो फॉर का सिंटैक्स, हाँ पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सिंटैक्स किसका, फॉर का। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर ओपनिंग, यहां पर आता है इनिशियलाइजेशन, क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब फॉर का लूप स्टार्ट कहां से होगा, जैसे नंबर ऑफ रिपीटेशन काउंट है ना नोन है, या जिसको हम काउंटर कह रहे थे, तो काउंटिंग आप 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे है ना। इनिशियलाइजेशन का मतलब आपने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी, आपने 1 से करी ना, तो इनिशियलाइजेशन क्या होगा, 1। फिर यहां पर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सप्रेशन का मतलब यह होगा, यहां पे इसको कंडीशन भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन यहां पर यह है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है ना, ये कंडीशन ही समझ लीजिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन है जो या तो आपको ट्रू देगा या तो आपको फॉल्स होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तभी लूप जो है अगले राउंड में या रिपीटेशन मोड में आता है। फिर यहां तक आता है इंक्रीमेंट होगा, या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या कुल मिला के इसको आप बोलते हो अपडेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे फॉर का लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग आपका कर्ली ब्रेस, यहां पर आपका बॉडी, बॉडी ऑफ लूप मीन्स आपको जो भी स्टेटमेंट रिपीट कराना है वो सब आप क्या करोगे, इसके अंदर टाइप कर दोगे, क्लियर हो गया ये।
जितना भी जो भी चीजें आपको रिपीट करानी है, ये रिपीट जो भी आपको रिपीट करना वो सब इसके अंदर ही लिख लीजिए। आप जितने भी स्टेटमेंट रिपीट करने हैं, फाइनली आप क्या करोगे, आप इसको बंद कर दोगे। क्लियर हो गया, ये आपने फॉर के लूप को बंद कर दिया। तो ऐसा आप फॉर का लूप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक इंटीजर में वेरिएबल ले लेता हूं मैं, सपोज आई। फॉर का लूप सबसे पहले फॉर है ना, आई इज इक्वल टू, अब आपको इनिशियलाइजेशन का मतलब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, मैंने कहा वन से करनी है, वन सेमी कॉलन, ठीक है, फिर से अब सेमी कॉलन आई लेस देन इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या काउंटिंग करी, मैंने कहा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 या 10 रहती है तब तक ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो और रिपीटेशन का मेथड क्या होगा, आई प्लस प्लस ऐसे, यानी 1/1। और अब आपको रिपीट क्या करना है, यहां पर आप क्या कर दीजिए, जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पर आपको जो भी रिपीट करना है, ये इस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, ठीक है। इसको मैं रिपीट करा के दिखा देता हूं आपको, इसको आप कर दीजिए कंपाइल। ये देखिए, तो रिपीट हो गया है, 10 टाइम्स आउटपुट आ गया है। अब देखते हैं ये रिपीट हो तो रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, तो अब एक्चुअली में ये रन हो कैसे रहा है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और यही इसका फंडामेंटल है कि ये रिपीट कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या करा होगा, फॉर के लूप में आ जाइए, सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन, मींस ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को वन पुट करेगा, मींस आई में इसने वन स्टोर कर दिया। अब आप क्या कह रहे हो, सेकेंड स्टेप में क्या चलेगा, सेकेंड स्टेप में चलाता है ये देखेगा आई लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं, है ना। तो इसको समझ लीजिए कि अगर i लेस देन और इक्वल टू 10 रहता है तो इसके बाद समझ लीजिए कि सीधे ये स्टेटमेंट में आ जाएगा, कहां जाएगा, स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, i इक्वल टू 1, फिर क्या है, देखिएगा i लेस देन और इक्वल टू 10, यस और नो, इफ यस, अगर ये यस होता है i लेस देन इक्वल टू 10 तो ये क्या करेगा, सिस्टम आउट प्रिंटलन में आ जाएगा। तो इस समय क्या है, i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल टू 10 भी है, तो ये क्या करेगा, सिस्टम आउट प्रिंटलन इसको प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट करने के बाद ये क्लोजिंग जो है ये इसको भेजेगा वापस। तो ये जो क्लोजिंग है इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोजिंग है इसको कहां भेजेगा, ये वापस भेजेगा आई प्लस प्लस में। तो अब आई प्लस प्लस हुआ है, तो आई की वैल्यू जो अभी तक 1 थी, अब आई प्लस प्लस होके क्या हो जाएगी, यहां पर आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। मैं यहां पर नोट करने के लिए लिख लेता हूं, अब क्या हो गया, आई की वैल्यू इसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। फिर क्या होगा, फिर जाएगा ये इस एक्सप्रेशन में, फिर से समझ रहे हो आप, फिर ये जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में। तो यहां पर जाके ये क्या करेगा, फिर से देखेगा आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ है, क्यों, आई की वैल्यू तो 2 है, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये फिर से क्या करेगा, यहां पर समझ लीजिए कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन को सेकेंड टाइम प्रिंट करेगा। फिर से ऐसे क्या करेगा, ये क्लोजिंग ब्रेस इसको वापस भेजेगा और आई की वैल्यू को आई प्लस प्लस करके ये 3 कर देगा, और देखिएगा i लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ बिल्कुल है, फिर से ये क्या करेगा, स्टेटमेंट में आएगा और इसको प्रिंट करेगा। तो समझ रहे हो आप, तो सबसे पहले अगर फॉर में जो 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे, है ना, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर आपका एक्सप्रेशन चेक होता है, फिर आपका लूप के अंदर आके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है ना, और फिर जाके ये i में इंक्रीमेंट या अपडेशन करता है। तो इस तरीके से फॉर का लूप चलता है। अगर अब आप ये चाहते हो कि जो आपका भी आउटपुट आ रहा था इसके साथ सीरियल नंबर भी आ जाए, तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो आई की वैल्यू आपको पता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको हम इनवर्ट कोट्स के बाहर लिखेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, आई को इनवर्ट कोट के बाहर, और प्लस यहां पर आपको पता ही है कॉन्कैटिनेशन के काम करेगा। तो ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, दिस विल अपीयर, है ना, दिस विल रिपीट, सॉरी, इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं, और इसको आउटपुट इस तरीके से आप ओके कर दीजिए। ये देखिए, अब इसके सामने नंबरिंग भी आ गई।
तो आप चाहते हो कि 1-2-3 ऐसे प्रिंट हो जाए, तो फिर से इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, है ना। तो दिस से पहले आप इसमें एक डैश लगा दीजिए, है ना। तो इसको क्लोज करके राइट बटन कंपाइल एंड इसको रन करके आप देख लीजिए, ये देखिए। तो ऐसे ये डैश करके, यानी 1- दिस विल रिपीट 2, है ना, दिस विल रिपीट, ऐसा आप कर सकते हो। तो क्लियर हो गई बात। तो ये एक एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। अब देखिए ये 1 से लेके 10 तक जो है काउंट कर रहा है, या अगर मैं इस लूप को देखूं, मैं ये देख रहा हूं आई की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम 10 तक जाएगा, है ना, 10 तक जाएगा और आई प्लस प्लस करते हुए जाएगा, तो समझ सकते हो कि लूप 10 टाइम्स चलेगा। तो इसी लूप को मैं दूसरे तरीके से भी चला सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को मैं इनिशियल वैल्यू हुई इसकी 10 कर देता हूँ, तो मैं रिवर्स काउंटिंग करता हूँ। आई की वैल्यू इनिशियल 10 है, तो मैं सोचता हूँ 10, 9, 8, 7 इस तरीके से इसको करें। तो अब आपको क्या करना है, आप इसको भी आप चेंज कर दीजिए। तो अब आप इसको ये कहिए कि आई जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैंने ये साइन क्यों बदल दिया, देखिए होगा क्या, अगर मैं ये साइन सपोज लेस देन ही रहने देता हूँ, है ना, तो अगर ये साइन मेरा लेस देन ही रहता है तो ये क्या करेगा, ये तो माइनस माइनस करेगा, तो ये हमेशा लेस देन ही रह जाएगा, यानी ये समझ लीजिए आपका एंडलेस लूप हो जाएगा। तो इसलिए फिलहाल मैंने क्या कर दिया, यहां से इसको मैंने कहा कि आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट करे और काउंटिंग मैक्सिमम कहां तक करे, 0 तक करे, है ना, 0 से नीचे वैल्यू ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है। तो इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं, राइट बटन क्लिक करिए कंपाइल और फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये देखिए क्लियर हो गई बात, 10 से लेके 0 तक, सॉरी ये 11 टाइम्स आ गया होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, 10 से लेके 0 तक आ रहा है, तो इसको 10 से मैं 1 तक कर देता हूँ। इस टाइप से कैसे कर लेते हैं, कंपाइल क्लोज एंड इसको रन करके देख लीजिए। ये देखिए 10 से लेके 1 तक के नंबर में आपका ये प्रिंट हो गया है। इस तरीके से इसको आप कर सकते हो, फिर से इसको एक बार देख लीजिए, तो ऐसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। क्लियर हो गया ना बात, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। तो बहुत बार यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि लूप एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। तो लूप ऐसे काम करता है, अच्छा ये ओपनिंग और क्लोजिंग भी मैंडेटरी नहीं है, है ना। तो अगर आपके पास फॉर के पास या इफ के पास, है ना, फॉर या इफ के पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, ये जैसे इस वाले लूप में है, अगर उसके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखिए आप चले गए, फिर भी करके देखते हैं, है ना। ये देखिए इसको करके देखें कंपाइल क्लोज और इसको राइट बटन क्लिक करके इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए आउटपुट सेम आ रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस यानी कर्ली ब्रेस तभी मैंडेटरी हो जाएंगे जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे। जैसे एक बार करके देखते हैं, इसको कर देता हूं सिस्टम ऑन प्रिंटर और यहां पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एलएम इसको करके देखते हैं और इसको भी, ये देखिए अब आपके पास फॉर के पास क्या है, फॉर के पास देखिए, फॉर के पास क्या है, 2 स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए। करके देखते हैं कंपाइल और रन, ये देखिए, है ना। तो ये तो रिपीट है सीरियल नंबर के साथ और ये उसके नेक्स्ट लाइन वाले, सीरियल नंबर के साथ नेक्स्ट लाइन वाला, सीरियल नंबर के साथ नेक्स्ट लाइन वाला। तो ऐसे आप कर सकते हो। सपोज इस केस में आप ओपनिंग और क्लोजिंग को भूल जाते हो, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये ऐसे कर लेते हैं, यहां से ओपनिंग क्लोजिंग को मैंने फिलहाल हटा दिया है। ये इसको हटाना है, ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग मैंने हटा दी है। तो अब देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप भी गैस करिए क्या इंपैक्ट पड़ता है।
गैस कर लिया होगा। अच्छा अब देखते हैं, अभी मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है किसी फॉर के लूप के पास या इफ के पास, तब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लगाना है। तो इसका मतलब यह है कि इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आप नहीं लगाते हो तो इसका मतलब आपका कंपाइलर यह समझेगा कि फॉर को एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो आप समझ सकते हो केवल ये वाला स्टेटमेंट ही रिपीट होगा, ये वाला स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेगा, देखिए इस केस में क्या करेगा कि ये वाले स्टेटमेंट को फॉर का लूप रिपीट तो करेगा, यानी ये 10 टाइम रिपीट होने के बाद है ना, ये 1 टाइम रिपीट होगा। इसको करके देखते हैं। ये देखिए, तो ये 10 टाइम रिपीट हो गया। जब रिपीटेशन खत्म हो गया तो दिस ऑल्सो रिपीट, ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में 1 टाइम रिपीट हुआ। देखिए तो ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट एज ए पार्ट ऑफ हो गया, ये वाला स्टेटमेंट एज ए पार्ट ऑफ फॉर हो गया। तो इसका मतलब इसने इसको रिपीट कर लिया। जब यहां से रिपीटेशन पूरा हो जा रहा है, फॉर का लूप कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट एक ही बार आपका स्क्रीन पर शो होगा। इसको फिर से देख लेते हैं, ये देखिए रन कर लीजिए, ये देखिए तो ये रिपीटेशन हुआ और उसके बाद लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार आ गया। तो अगर दोनों को एज ए पार्ट लेना है तो आप क्या करिए, ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास है, मैंडेटरी है, आप इसको लगा लीजिए। ये देखिए, ये ऐसे कंपाइल क्लोज और इसको रन करके देख लीजिए, ये देखिए है ना, दोनों स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये फॉर का लूप था, ऐसा आप फॉर का लूप को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। अच्छा अब आपको मैं नंबर प्रिंट करके दिखाता हूं, एक हल्का सा चेंज है। अब आप देखिए मैंने क्या कर दिया है, आई को प्रिंट कर दिया है, ठीक है, आई को प्रिंट कर दिया और यहां से वाला स्टेटमेंट भी मैं हटा दे रहा हूं। ये ऐसे, अब देखिए आई का मतलब है वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, देखिए वेरिएबल जो है आई, वेरिएबल की वैल्यू 10 है और 10 से लेके 1 तक जाएगा। तो ये क्या करेगा, 10 से लेके 1 तक के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। करके देखिए, ये देखिए 10 से लेके 1 तक। अब ये क्या है, देखिए ये मल्टीपल रोज में आ रहा है, अब आपको एक ही रो में चाहिए, तो आप क्या करिए यहां से एलन हटा दीजिए। एलन क्या करता है, न्यू लाइन में कर्सर को सेंड कर देता है। तो मैंने अब एलन हटा दिया है, यानी बिना लाइन ब्रेक के ये एक ही लाइन में आउटपुट दे देगा। ये देखिए एक ही लाइन में, अगर आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए तो ऐसा लग रहा है एक ही नंबर आ गया है, तो ये मल्टीपल, ये तो 10 है ना, तो आपको अलग अलग नंबर चाहिए, तो आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, आई आई के बाद क्या कर दीजिए, एक कॉन्कैटिनेशन मार्क और इसके अंदर डबल इनवर्टेड कोट में एक स्पेस को ऐड कर दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, नंबर प्रिंट होगा स्पेस, नंबर प्रिंट होगा स्पेस, कंपाइल और इसको फिर से राइट बटन क्लिक करके वाइड मेन को कॉल कर लीजिए। ये देखिए, तो ऐसे ये क्या कर सकता है, नंबर भी प्रिंट कर सकता है। क्लियर हो गया ना बात। तो ये फॉर के लूप को ऐसे आप इस्तेमाल करोगे, अलग अलग तरीके से मैंने इस्तेमाल करना आपको सिखा दिया है कैसे इसको। अब जैसे टेबल बनाना है सपोज, तो टेबल सपोज एक नंबर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर नंबर इक्वल्स टू सपोज 5, तो 5 का टेबल दिखाना है। तो टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसका भी आप टेबल देखना चाह रहे हो, तो वो नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक फॉर का लूप मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो आई का लूप मैंने क्या करा, देखो आई का लूप मैंने क्या करा, 1 से लेकर 10 तक चला दिया, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक आई तो जनरेट हो ही रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आई आई की वैल्यू जनरेट हो रही 1 से लेकर 10 तक। तो अभी आपने क्या, टेबल क्या होता है, टेबल का मतलब यह है कि जिस नंबर का भी आप टेबल देखना चाह रहे हो, वो नंबर 1 से लेकर 10 तक से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट जो होता है वो उस नंबर का टेबल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप n का टेबल देखना चाह रहे हो तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, n into 1, n into 2, n into 3, ऐसे। तो मैंने क्या कर दिया n, ये देखिए अब इसको करते देखते हैं। अच्छा ln भी लगा लेते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये इसको आप कंपाइल कर लेते हैं, इसको क्लोज,
और कंपाइल कुछ एरर है। अच्छा यहाँ पर देखिए एरर है, इस तरीके से आप देख लेते हैं, ये होता है टर्न एंड सेमीकॉलन, इसको कंपाइल राइट बटन क्लिक के वॉइड में इनको कॉल कर लीजिए। ये देखिए तो ये फाइव का टेबल बन के तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप फॉर के लूप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक आपको एग्जांपल्स बताए, तो इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के भी इस तरीके के प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस चैनल का लिंक या इस क्लास का लिंक आप उनको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।